नमस्कार दोस्तों, एकेडमिक वॉरियर्स के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे डॉक्टर शकुंतला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय लखनऊ के शैक्षिक सत्र 2020-21 के एडमिशन रिलेटेड और एडमिशन से संबंधित जितनी भी जानकारियां हैं हमारे इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से उपलब्ध कराई जाएंगी। इसीलिए अभी तक आपने यदि हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो सब्सक्राइब करें और साथ में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल न भूलें, जिससे आपको समय पर नोटिफिकेशंस मिलते रहें। तो आज हम लोग देखेंगे कि विश्वविद्यालय प्रशासन के द्वारा आज यानी 9 सितंबर को एक नोटिस जारी किया गया है। उस नोटिस में क्या कहा गया है, आइए देखते हैं। यह जो नोटिस है इसमें कहा गया है कि शैक्षिक सत्र 2020-21 में प्रवेश हेतु आवश्यक सूचना। शैक्षिक सत्र 2020-21 में प्रवेश हेतु स्नातक स्तरीय पाठ्यक्रमों में आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि जिन अभ्यर्थियों ने आवेदन के समय इंटरमीडिएट क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन के अंक नहीं भरे हैं, उन छात्रों को अंक एवं अन्य सूचनाएं भरने अपडेट करने हेतु दिनांक 13/9/2020 तक अंतिम अवसर प्रदान करते हुए निर्देशित किया जाता है कि वे निर्धारित तिथि तक अंक एवं अन्य सूचनाएं भरना या अपडेट करना सुनिश्चित करें, अन्यथा की स्थिति में ऐसे अभ्यर्थियों का प्रवेश काउंसलिंग की प्रक्रिया में सम्मिलित किया जाना संभव नहीं होगा। इस नोटिस में यह साफ स्पष्ट कर दिया गया है कि जो ऐसे अभ्यर्थी हैं जिन्होंने फॉर्म भरते समय अपने क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन या इंटरमीडिएट के जो मार्क्स हैं वह नहीं भरे थे, तो उन छात्रों को मौका दिया जाता है वह 13/9/2020 तक अपने क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन या इंटरमीडिएट के मार्क्स अपडेट कर सकते हैं। और यदि आपने फॉर्म भरते समय कोई सूचना नहीं भरी थी या कोई सूचना आपको अपडेट करनी है, कोई सूचना आपसे गलत हो गई थी, तो आपको यह मौका है कि 13/9/2020 तक आप उसे सही कर सकते हैं। और यदि आपने क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन जो अंक हैं वह नहीं भरे थे वह भी आप भर सकते हैं। यदि आप 13/9/2020 तक यह फॉर्म अपडेट नहीं करते हैं तो विश्वविद्यालय की कोई भी गारंटी नहीं होगी, आपको प्रवेश से वंचित कर दिया जाएगा और आपको काउंसलिंग प्रक्रिया में सम्मिलित नहीं किया जाएगा, यह स्पष्ट कर दिया गया है जो कि प्रवेश निदेशक हैं डॉक्टर कौशल शर्मा के द्वारा। तो आगे हम देखते हैं कि फॉर्म को हम कैसे अपडेट करेंगे। फॉर्म को अपडेट करने के लिए हमें विश्वविद्यालय की जो ऑफिशियल वेबसाइट है dsmnru.ac.in, इस पर जाना है। इस पर लॉगिन करने के बाद हमें नीचे ऑप्शन मिल जाता है अपडेट एप्लीकेशन डिटेल्स, और यह अपडेट वही लोग कर सकते हैं जिन्होंने फॉर्म की फीस सबमिट कर दी थी और फॉर्म सबमिट हो गया था उनका फाइनल, वही लोग केवल कर सकते हैं। यहाँ पर हमें यूज़र नेम डालना है, यूज़र नेम आपका जो हो वो डाल दीजिए। यूज़र नेम डालने के बाद आपको यहाँ पर पासवर्ड भरना है, आइए पासवर्ड भर लेते हैं। पासवर्ड भरने के बाद आपको कैप्चा भर देना है, कैप्चा भर के आपको लॉगिन कर देना है। जैसे ही आप लॉगिन पर क्लिक करेंगे आपको अपडेट एप्लीकेशन फॉर्म का ऑप्शन आ जाएगा। यदि आप अपडेट करना चाहते हैं तो अपडेट एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक करेंगे। अपडेट एप्लीकेशन फॉर्म पर जैसे ही क्लिक करेंगे आपके पास आपने जो फॉर्म फिलअप किया हुआ था वह खुल के आ जाएगा। यदि आप जो भरना चाहते हैं या जो आपसे कुछ गलती हो गई है वह आप यहां से अपडेट कर सकते हैं। यदि आपने क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन के अंक जो हैं वह नहीं भरे थे तो एकेडमिक क्वालिफिकेशंस में जाकर आप यहां से अपने मार्क्स भर सकते हैं। जैसे कोई इंटरमीडिएट का जो फॉर्म है, जब उन्होंने अप्लाई किया था तब इंटरमीडिएट का रिजल्ट नहीं आया था, तो अब उनको यह अवसर प्रदान किया जाता है कि वह अपने जो मार्क्स हैं वह यहाँ पर भर सकते हैं। इसी तरह अन्य आपकी जो जानकारी है जो आपके संबंध में गलत हो गई हो या आप भरना भूल गए हो तो आप यहां से भर के फॉर्म अपडेट कर सकते हैं और सबमिट कर सकते हैं। तो आशा है आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। यदि आपकी कोई भी ऐसी क्वेरी रहती है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद।